आज हमने बनाया है होममेड कस्टर्ड पाउडर, जो हमने बहुत ही अच्छे से बनाया है, एकदम फ्रेश और हाइजीनिक है। इससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे फ्रूट सैलेड है, केक है, पुडिंग है, कुकीज है, बहुत सारी चीजों में हम इसे यूज कर सकते हैं। अभी आज मैंने ये पाउडर बनाना बताया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसे यूज करके भी बताऊंगी कि ये कितना बढ़िया बनता है और कितना अच्छा बनता है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें और यूज करें। होममेड कस्टर्ड पाउडर बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप कॉर्नफ्लोर, आधा कप शक्कर और आधा कप जितना ही मिल्क पाउडर। इन तीनों चीज़ों से हम इसका बेस बनाएंगे एक बार और फिर हम उसमें अलग अलग फ्लेवर देंगे। तो हमें बेस बनाने के लिए ये तीनों चीज़ें ही चाहिए है। अगर आपके पास मेज़र कप नहीं है तो आप अपने घर की कोई भी एक कटोरी लेके और उससे मेज़र कर सकते हैं। उसमें आपको 1 कप कॉर्नफ्लोर चाहिए होगा और आधा कप शक्कर और आधा कप जितना ही मिल्क पाउडर। सबसे पहले हम एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें इस शक्कर को पीस लेंगे। इसे हमें पल्स मोड पे पीसना है, बंद चालू करते हुए, जिससे ये बहुत ही अच्छे से पीस जाएगी। शक्कर अच्छे से पीस चुकी है, एकदम बारीक। अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके और एक बार ग्राइंडर जार में चला लेंगे, जिससे ये सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये कस्टर्ड का बेस बन के तैयार है। अब हमें इसे 4 फ्लेवर में बनाना है, तो हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर मैंने इसे 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब उसी ग्राइंडर जार में हम डालेंगे ये इसके एक पार्ट को। उसमें मैं डाल रही हूँ 1/8 टीस्पून जितना वनीला पाउडर। ये इजीली मिल जाता है जहाँ पर केक का सामान और मिलता है वहाँ पे। अगर ये नहीं मिल रहा है आपको तो आप इसकी जगह पे आधा चम्मच वनीला एसेंस डाल सकते हैं इसमें। उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ जस्ट इसमें 2 ड्रॉप जितना येलो फूड कलर। आपके पास अगर सूखा कलर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसे हम एक बार ढक्कन बंद करके और चला लेंगे। ये वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर बनके तैयार है। इसमें एक येलो कलर आ गया है, जो हम मार्केट से लाते हैं वो वाले कस्टर्ड पाउडर में होता है बिल्कुल वैसा ही। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। फिर हम उसी ग्राइंडर जार में डालेंगे जो हमने मिक्सर बना के रखा था कस्टर्ड पाउडर का। वो ये वाला बनाएंगे हम चॉकलेट फ्लेवर का। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना कोको पाउडर। आप इसमें हमेशा अच्छे ब्रांड का ही कोको पाउडर यूज करें, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत बढ़िया भी बनेगा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून जितना चॉकलेट एसेंस। इस सब को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें चला लेना है। हमें सिर्फ ये एक ही बार मिक्सी को चलाना है, बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, इतना ही चलाना है कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये चॉकलेट वाला कस्टर्ड पाउडर बन के तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल हम मार्केट से लाते हैं वैसा ही कलर आया है और एकदम वैसा ही स्मूथ टेक्सचर में है ये। ये बहुत बढ़िया बन चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है तो आप इसे एक बार छलनी से छान भी सकते हैं। वैसे हम अगर एक बार मिक्सी में इसे चलाते हैं तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो ही जाता है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। ये चॉकलेट वाला कस्टर्ड पाउडर बन के तैयार है। अगर आपके पास इसमें डालने के लिए चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप उसकी जगह पे वनीला एसेंस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट के साथ ही वनीला का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। तीसरा फ्लेवर जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का। इसके लिए भी मैंने इसे डाल दिया है ग्राइंडर जार में। मैं इसमें डाल रही हूँ स्ट्रॉबेरी इमल्शन। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये मैं 1/4 टीस्पून जितना ले रही हूँ। इमल्शन में कलर और फ्लेवर दोनों होते हैं, तो इसलिए हमें इसमें कोई और चीज डालने की जरूरत नहीं है। तो ये इसको बहुत ही बढ़िया कलर और फ्लेवर दोनों दे देगा। अब हम इसे एक बार इसमें मिक्स कर लेंगे और उसके बाद में इसे भी हम एक बार ग्राइंडर जार में चला लेंगे। अगर आपके पास में इमल्शन नहीं है तो आप इसमें 1/8 टीस्पून जितना ये स्ट्रॉबेरी का एसेंस और रेड फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून से भी कम। या अगर आप लिक्विड में ले रहे हैं तो आप इसमें 2 या 3 बूंद जितना लिक्विड रेड कलर यूज कर सकते हैं, तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर उससे भी बहुत ही अच्छा आ जाएगा। ये हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनके तैयार है।
ये आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का है। अभी हमें देख के ऐसा लगता है कि इसका कलर थोड़ा डार्क है, लेकिन जब हम इसे दूध में मिक्स करके बनाएंगे तब इसका कलर इतना डार्क नहीं रहेगा, पूरे दूध में एकदम अच्छा सा बेबी पिंक कलर आ जाएगा। इसे भी हम बाउल में ले लेते हैं। चौथा फ्लेवर जो हम बनाने जा रहे हैं वो है बटर स्कॉच, जो मोस्टली सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है कस्टर्ड में। इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/8 टीस्पून जितना बटर स्कॉच एसेंस, ये भी इजीली मिल जाता है मार्केट में। इसे मैं 1/8 टीस्पून मतलब 1/4 से भी कम ले रही हूँ। उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 या 3 बूंद जितना येलो फूड कलर। अब हम इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक्कन लगा के और एक बार ग्राइंडर जार में चला लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बटर स्कॉच कस्टर्ड बन के तैयार है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये एकदम परफेक्ट बना है। तो अब हम इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारा बटर स्कॉच कस्टर्ड भी बन के तैयार है। ये हमारे 4 फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर बन के तैयार है। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही बढ़िया बनते हैं। मार्केट से हमें लगभग आधी से भी कम कीमत में पड़ते हैं, क्योंकि जब हम फ्लेवर्ड वाले कस्टर्ड पाउडर लेते हैं तो वो हमें और भी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो आप भी इसे घर पे बनाइए। आप इसे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे केक में, पुडिंग में, कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड बनाने में, कुकीज़ बनाने में, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है कस्टर्ड पाउडर से। तो आप इन्हें एयरटाइट डिब्बे में स्टोर करें और फिर इन्हें यूज़ करें। अभी आप इन्हें थोड़ी देर के लिए खुला ही छोड़ दें, जिससे इसके अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो भी निकल जाएगा। उसके बाद में आप इसे एयरटाइट डिब्बा में स्टोर करें और आप यह वनीला और जो हमने ये बटर स्कॉच बनाया है ये दोनों येलो येलो कलर के ही है, तो इसके डिब्बे के ऊपर आप एक टैग बना के चिपका दें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बटर स्कॉच है या ये वनीला है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।